टॉपिक समझ लें कि ये पैराग्राफ की ये जो पैरामीटर्स हैं कि पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं स्ट्रक्चर बता के दिखाऊंगा कि वो स्ट्रक्चर किस तरह बनाई जाती है और उसमें आइडियाज़ कहाँ और कैसे रखने चाहिए। ऐसा नहीं है रेंडमली आप सेंटेंसेस को रख रहे हैं तो वो इफेक्टिव पैराग्राफ होता है और मुकम्मल आपने सेंटेंसेस बनाए 6-7, बस ऐसा नहीं होता। तो पहला आपका होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ आप पैराग्राफ के अंदर लिखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन एजुकेशन, तो आपने जो पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस लिखने हैं, जो सेंटेंसेस सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आपके टॉपिक सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर होने चाहिए। यानी हर सेंटेंस का जो डायरेक्शन है वो आपके टॉपिक सेंटेंस पे होना चाहिए। अगर टॉपिक सेंटेंस के हट के आप कोई बात करें तो वो आपका होगा इरेलेवेंट सेंटेंस, यानी वो आपके टॉपिक सेंटेंस को हिट नहीं कर रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर कनेक्टर डाल देना है। कनेक्टर का मतलब होता है कि आप इस टॉपिक सेंटेंस को बकाया सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जैसे हाउएवर, मोर एवर, बिसाइड्स, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दैट, यानी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक सेंटेंस आप देना जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कोटेशन। अब कोटेशन का देना रिलेवेंट कोटेशन होना चाहिए वो टॉपिक सेंटेंस पे। अगर एजुकेशन है तो आपने नेल्सन मंडेला वाला कोटेशन आप डाल सकते हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये एक कोटेशन है, वो रिलेवेंट टू योर टॉपिक सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पे आपने कहना है डेमोक्रेसी, इब्राहिम लंकन वाला, वो सेंटेंस, वो कोटेशन जो है इरेलीवेंट हो जाएगा। या आप कह रहे हो जीन जेकस रूसो सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, तो ये आपके टॉपिक सेंटेंस को हिट नहीं कर रहा, यानी कि ये टॉपिक एजुकेशन के साथ हिट नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, एजुकेशन के मुताबिक पैराग्राफ के अंदर जो है कोटेशन इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट, अब जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, कोई भी टॉपिक सेंटेंस हो, ज़रूरी नहीं एजुकेशन हो, तो आपने उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करनी है, डेटा को पुट करना है। अब डेटा किस तरह करनी है, यानी फॉर एग्जांपल एजुकेशन है तो वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट होना चाहिए, आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिपोर्ट है, या गैलप सर्वे के मुताबिक कोई रिपोर्ट है, यूनिसेफ के मुताबिक, यूनिस्को के मुताबिक, कोई भी ऐसी रिपोर्ट हो जो इंटरनेशनल मयारी इदारे की हो, उसके डेटा जो है आपने इस्तेमाल करनी है इस पैराग्राफ के अंदर। लेकिन वो डेटा रिलेवेंट होनी चाहिए आपके टॉपिक सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो आप टॉपिक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 5, कंक्लूजन पे। यानी कि जो आपने चीज़ें बॉडी पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की हैं उसको आपने कंक्लूड करना है। अब ये तो कह रहे होंगे कि सर ये तो बात चलो ठीक है, समझ तो आ रही है, लेकिन इसके लिए डेटा कहाँ से लाएं और हमें कैसे पता चले कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, या हम आप कह रहे हैं सर हमसे लिखा नहीं जा रहा, हम तो समझ तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह ये होती है, एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा ये हो सकता है कि आपको पैराग्राफ राइटिंग करने का स्ट्रक्चर जो है वो पता नहीं है, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स को लैग कर लेती है वो है होती है रीडिंग स्किल। जब आपको किसी टॉपिक के बारे में इल्म ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो आपको एक्सप्लेन करना आपके लिए एक ख्वाब होगा वो। तो इसी तरह पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपने किस तरह और कैसे बनानी है। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, तो सेंटेंसेस का भी मैं आपको वेटेज बता देता हूँ कि सेंटेंसेस का वेटेज कितना होना चाहिए, तो वो भी बता देता हूँ। देखिए अब पैराग्राफ की स्ट्रक्चर के जो 3 हिस्से होते हैं, अच्छा पैराग्राफ के जो स्ट्रक्चर के ना 3 होते हैं, एक होता है इसका हेड और दूसरा जो है पैराग्राफ का जो पॉइंट है बॉडी है, और तीसरा होता है कंक्लूजन।
या आप कह सकते हैं हेड। तो फॉर सपोज करें कि दिस इज दी हेड ऑफ यानी टॉपिक सेंटेंस, और ये जो चीज़ है बॉडी पैराग्राफ्स है, और इसके लिए ये जो टेल है। अब इसका कहने का मकसद है कि ये जो चीज़ है ये आपके हेड को डिफाइन कर रहा होता है, यानी इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। अब ये है टॉपिक सेंटेंस। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है, ये आपका सपोज करें एक सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, और नंबर लास्ट जो है ये है आपका टेल, यानी ये कंक्लूजन है। तो एक के सेंटेंस इसका होना चाहिए, एक सेंटेंस इसका होना चाहिए। तो एक मैं एक मिनिमम लेंथ बता रहा हूँ पैराग्राफ की, तो एटलीस्ट आपके 6 सेंटेंसेस होने चाहिए, या एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस होने चाहिए। अब ये 5 सेंटेंसेस कैसे फिर अरेंज करना है, आइए देख लेते हैं। जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करें, सपोज तो आपने इस तरह करना है, ये आपका स्टार्ट होने लगा है, ठीक हो गया भैया। अब आपने क्या करना है, पैराग्राफ जब आपने लिखना है तो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए इस लाइन से। पहला पार्ट जो है इस लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। ये चीज़ आपने खाली रख देनी है, ये वाली, ये चीज़ आपने ओपन रखनी है, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडेंट। ये पैराग्राफ का पार्ट है, इसको इंडेंट कहा जाता है, और इंडेंट खाली छोड़ा जाता है। आप डान भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे आपका होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस। अब ये टॉपिक सेंटेंस मैं तो कह देता हूँ, लेकिन आपको मैं टॉपिक दूंगा, फिर आपने इसके ऊपर लिखना है। लिखने से पहले आपको कोशिश करके इसकी डेटा रीड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता, सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस हो गया आपका, यहाँ तक एक ये टॉपिक सेंटेंस है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि कोई कनेक्टर इस्तेमाल करना है। कनेक्टर जैसे मैंने इस्तेमाल किया हाउ एवर, अब ये कनेक्टर इस्तेमाल किया, कामा डाल दिया, फिर आपने उसके बाद आपने ये कामा डाल के फिर सेंटेंस को स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आपका पहला तो हो गया टॉपिक सेंटेंस, दूसरा आपका सेंटेंस हो गया पेनल्टी, सॉरी, दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अब कनेक्टर के बाद। अब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोई कोटेशन डाल दें, अगर कोटेशन आपके पास मौजूद है। अब कोटेशन का मतलब होता है रिलेवेंट टू द टॉपिक सेंटेंस। अब ये आपका हो गया तीसरा, ठीक है। अब ये तीसरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस नंबर फोर्थ जो स्टार्ट होने लगा है, अब नंबर फोर्थ जो है आपका स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए। स्टेटिस्टिक्स का मतलब है कोई डेटा वगैरह डाल देते हैं। अच्छा जी, आवाज़ बंद रखें अपनी, काइंडली अपनी आवाज़ बंद रखें। अब ये डेटा जो है स्टेटिस्टिक्स हैं, इसको हम कहते हैं डेटा, यानी इंफॉर्मेशन, लॉजिक, नंबर फोर। और ये जो लास्ट सेंटेंस है आपका स्टार्ट होने लगा है, ये जो है आपका नंबर फाइव कंक्लूजन। अब ये कंक्लूड के लिए आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, उसके बाद आपने बात को कंक्लूड करना है। तो ये हो तो ये होता है आपका रिलेटेड टू टॉपिक सेंटेंस। अब मैं आपको एक इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, कि पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पैराग्राफ का कहा जाता है ना, वो इस तरह लिख के आते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर,
ये कहते हैं सर ये 1 2 3 4, ये जो मैंने तरीके। सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये पैराग्राफ है। ऐसा पैराग्राफ नहीं होता, पैराग्राफ का अपना स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ आपने हाथ पांव लगा के इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता पैराग्राफ के साथ। आपने पैराग्राफ को नो बुलेट पॉइंट्स, नो लाइंस, लाइंस वगैरह में स्ट्रक्चर को पैराग्राफ नहीं बनाया जाता। स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए, यानी सही तरीके से होना चाहिए। आपने कोई सांप वगैरह का तरीका भी नहीं बनाना है। आइए आगे देख लेते हैं। एक मैं और भी आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, अब इसको फॉलो करें। चाहे देखें ये अभी स्टार्ट है ना आपका, इट विल टेक टाइम, कोई एक दिन का ये काम है नहीं। अब देखिए, फॉर सपोज आप यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट करें। यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है क्लास के पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। फिर आपने कोई यहाँ पे कनेक्टर डाल देना है, लाइक मैंने इस्तेमाल भी किया था बिसाइड्स। ये सही तरीका बता रहा हूँ आपको, बिसाइड्स कॉमा, फिर ये कनेक्टर है। यहाँ तक आपने सेंटेंस को, फिर आपने यहाँ तक लेकर जाना है, आखिर तक सेंटेंस को लेकर जाना है। ऐसा नहीं है बीच में छोड़ देना है, तो ये स्ट्रक्चर को तबाह कर देता है। ये जो है ना आपके पैराग्राफ का रियल जो है ना फेस है, ये जो चीज़ है ये आपके पैराग्राफ का रियल फेस है। और काफ़ी एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे लिख के दिखा है, और उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी कोशिश की है चीज़ों को, लेकिन उन्हों का इस्तेमाल कनेक्टर का यूज़ नहीं है, कोटेशन की काफ़ी कमी है, और डेटा और फैक्ट्स फिगर्स जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि या तो इनके पास रीडिंग का मटेरियल कम है, या तो डेटा का पता नहीं है कि डेटा कैसे पुट की जाती है। यहाँ तक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर। मैंने कल आउटलाइन का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब देखें, ये जो पैराग्राफ है ना, ये सिर्फ एक सब टॉपिक का जो है ना पैराग्राफ है, सब टॉपिक का। जैसे मैंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के मैंने एक पॉइंट बताई थी, डीफॉरेस्टेशन। मैंने कल बताया था डीफॉरेस्टेशन। अब आपने इस्तेमाल टॉपिक सेंटेंस जो है किस तरह करना है, टॉपिक सेंटेंस के वर्ड से करना है। आपने इस्तेमाल इसी तरह करना है, फॉर सपोज आपके पास पैराग्राफ लिखने के लिए सब टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग का आप एक काज बता रहे हैं कि इसका काज ग्लोबल वार्मिंग का एक है डिफॉरेस्टेशन। तो आपने सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस में कैसे मर्ज करना है, तो आपने कहना है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस, यानी जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपका है डिफॉरेस्टेशन। वो किसको किसकी वजह बन रही है, वो डिफॉरेस्टेशन जो है काज बन रही है ग्लोबल वार्मिंग की। यानी दरख्त जितना ज़्यादा काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्त को ख़त्म कर देना, प्लांटेशन को ख़त्म कर देना। तो अब आपने कहा बिसाइड्स,
इट हैज़, अब आपने कनेक्टर का इस्तेमाल करना है, बिसाइड्स, इट हैज़ हार्म्ड, अब आपने ये चीज़ बताई कि इट हैज़ हार्म्ड आर, अब आपने इट हैज़ हार्म्ड आर एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इकोसिस्टम। अब ये आपने क्या करना है कि यहाँ तक सेंटेंस को करना है ख़त्म, कि भाई यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ख़त्म हुआ है, अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग बिसाइड्स कामा, अब इट इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि प्रोनाउन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, प्रोनाउन को रिपीट ना करने के असरात, नाउन के डिफर नाउन को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यानी डिफॉरेस्टेशन को रिपीट करना है, अब इसकी जगह आपने करना है इट हैज हार्म्ड आर एनवायरमेंटल इकोसिस्टम, आपने फुल स्टॉप डाल दिया यहाँ पे। अब आपने जो यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो आपने कोई भी बता देना है अकॉर्डिंग टू, अब सेंटेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू द डैश, अकॉर्डिंग टू UNO, या आपने कहना है अकॉर्डिंग टू WB वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में अपने जो डेटा होगा वो यहाँ देना है, लेकिन वो डेटा फैक्ट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ऐसे हवाई फायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने को वो चीज़ जो है ना डेटा दो सेंटेंसेस के अंदर दे देनी है, कोई भी डेटा होनी चाहिए। और 10, अब आपने 10 जो है ना ये कनेक्टर डाल दिया है, अब इस कनेक्टर के बाद आपने पहले वाले सेंटेंस को रीपैराफ्रेज करना है, या जो नीचे जो सेंटेंसेस आपने दिए हैं इनके वर्ड्स चेंज करके आपने रीपैराफ्रेज करके आपने देना है। आपने कहना है 10, अब आपने रिपीट करना है सेम वर्ड को, डिफॉरेस्टेशन हैज बिकम वन ऑफ द डेंजरियस सिचुएशंस फॉर डेटरियोरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ये चीज जो है ना आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है, आप सारा कंक्लूड कर रहे हैं इस चीज को, ये जो सेंटेंसेस बड़ी पैराग्राफ में लिखे हैं ना, डिफॉरेस्टेशन हैज बिकम वन ऑफ द डेंजर सिचुएशंस फॉर डेटरियोरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को खराब करने में जो सबसे ज्यादा हाथ है तमाम तर चीजों में से, वो उसका है डिफॉरेस्टेशन का। अब आप देखें इस पैराग्राफ के अंदर हमने डिफॉरेस्टेशन की बात की है, एंड वी हैव नॉट डिस्कस्ड करप्शन, वी हैव नॉट डिस्कस्ड एजुकेशन, एक्सट्रीमिज्म, हमने कोई किसी चीज को डिस्कस नहीं किया। अब डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पैराग्राफ को लिखना था, टॉपिक था हमारा डिफॉरेस्टेशन, तो इसी का मतलब होता है सेंटेंस और सेंटेंस के बारे में ही बात की जाती है। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस आपका एजुकेशन, और उसमें आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और करप्शन की बात कर रहे हैं, और आप टॉपिक से हटके सिर्फ सेंटेंस बना के आपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर रहे हैं, तो पैराग्राफ सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपने टू द पॉइंट डिस्कस करना है। तो अब क्या होता है कि जैसे आपने आउटलाइन बनाई है पैराग्राफ स्ट्रक्चर, जैसे एक्सट्रीमिज्म के लिए दहशतगर्दी पे और तालीमी इदारों के बीच में जो था वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि दोस्त ने बनाया, अब अखबार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसने मेहनत की है। तो उसने कहा था पहला रीज़न दिया है कि भाई
जो एक्सट्रीमिज्म है और आर एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो एक पुअर गवर्नेंस की वजह से। तो आपने टॉपिक सेंटेंस अगर लिखना है और उसके पैराग्राफ बनाना है तो पुअर गवर्नेंस आपने लिखना है। आपने कहना है पुअर गवर्नेंस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज बिटवीन एक्सट्रीमिज्म एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपने पुअर गवर्नेंस को डिफाइन करना है इस पैराग्राफ के अंदर। फिर इसमें दूसरी आउटलाइन बताई है कि पाकिस्तान के अंदर इम्प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी है। इम्प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी पे अलग से आपने पैराग्राफ बनाना है, इसी तरह जो ये बनाया है। तो देखिए आप 50-10 आउटलाइन है और हर आउटलाइन का आप पैराग्राफ बनाना है तकरीबन 150 वर्ड्स का होना चाहिए। हर एक पैराग्राफ 150 वर्ड्स का। तो आप बताएं 10 पैराग्राफ का आप 150 वर्ड्स के मुताबिक कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 1500 वर्ड बन सकते हैं। तो ये 15 वर्ड 100 वर्ड के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वोकेबलरी होनी चाहिए। ये चीजें तब बेहतर होती हैं, बाकी सिर्फ पैराग्राफ स्ट्रक्चर करने से नहीं होता। सिर्फ स्ट्रक्चर समझने से बात पैराग्राफ लिख के मेरे लिए काफी है, ज्यादा आपको जी सोशल मीडिया पर लिखें, सोशल मीडिया पर लिखें। वो आपका मर्जी है, जिस चीज पे भी लिखें, सिर्फ मुझे पैराग्राफ लिख कर दिखाना है कि आपने पैराग्राफ किस चीज पे लिखना है। चलिए मैं दे रहा हूँ, आप उसको जरा डिस्कस कीजिएगा।